कैबिनेट का हवन कर दिया है, कैबिनेट का स्वाहा कर दिया है। ऐसा कैबिनेट कौन काम का, ऐसा कैबिनेट कौन काम का जिसमें शिक्षक नियुक्ति नियमावली नहीं पारित हो। वो तो खाली बोलते हैं बहाल करेंगे, कहिया जब दांत टूट जाएगा तहिया कि टकरा हो जाएंगे तहिया। बिहार ढकोसला के चक्कर में ना बर्बाद हो गया, खास कर शिक्षा व्यवस्था। यहाँ मजदूर का सप्लाई होता है, अब नहीं होने देंगे मजदूर का सप्लाई। अब यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर का सप्लाई होगा, आपका कोई रत्न नहीं होगा, आपको पुत्री होना नहीं करेगा, ब्याह होगा तब ना होगा। भैया जी ब्याह नहीं होगा, सरकार जो है ब्याह करवाने के फेरों में नहीं है। आश्वासन में तीन सालों से चार सालों से आश्वासन के आधार पर सब बाल उड़ गया मेरे कई साथियों का, सब हम लोग बूढ़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए इस वक्त हमारी उपस्थिति धरना स्थल गर्दनी बाग पे है और ये जो टोपीधारी आप देख रहे हैं ये कोई नेता का टोपी नहीं है, SC/ST अभ्यर्थी है जो मेरिट धारी है और पिछले 3 सालों से आंदोलन कर रहे हैं और घंटी लेकर बैठे हुए हैं। धूप है, धुआं है, गंगा जल है और हवन भी कर दिए आज। किनका हवन किया है आज? कैबिनेट का हवन कर दिया है। कैबिनेट का हवन कर दिया है, कैबिनेट का स्वाहा कर दिया है। रोज रोज कैबिनेट की बैठक होती है और नियावली नहीं बनती है, STT मार्क्स में नियावली नहीं बनती है, इसको स्वाहा कर दिए हैं। ऐसा कैबिनेट कौन काम का, ऐसा कैबिनेट कौन काम का जिसमें शिक्षक नियुक्ति नियावली नहीं पारित हो, उसी का हवन कर दिया है। साथ ही साथ हम लोग अग्निदेव को निवेदन किए हैं, हे अग्निदेव, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि दे, रास्ता भटक गए हैं, उनको सद्बुद्धि दे कि 30,675 जो STT मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको चिट्ठी जारी करे, नियुक्ति वाला चिट्ठी जारी करे। हम लोग जाएंगे तो बिहार का जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था है, पूरे भारत में सेंसस उठा के देख लीजिए शिक्षा का स्तर बहुत निम्न स्तर पे है, तो हम लोग जाएंगे तो बेहतर शिक्षा देंगे, क्वालिटीपूर्ण शिक्षा देंगे। इसीलिए हवन का काम किया है, हम लोग भूख हड़ताल अनवरत बैठेंगे। तो शिक्षा मंत्री तो कह ही रहे हैं कि हम बहाल करेंगे, बहुत ज्यादा संख्या में हम बहाल करेंगे, जल्द हम बहाल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखने की भी बात कह रहे हैं। वो तो खाली बोलते हैं बहाल करेंगे, कहिया जब दांत टूट जाएगा तहिया कि टकरा हो जाएंगे तहिया कि चल जाएंगे बांस घर तहिया। आए बताइए, अरे मंत्री जी, आप शिक्षा मंत्री जी हैं, शिक्षा पे चर्चा कीजिए ना। आज ढकोसलाबाजी बंद कीजिए, बिहार ढकोसला के चक्कर में ना बर्बाद हो गया, खास कर शिक्षा व्यवस्था। यहाँ मजदूर का सप्लाई होता है, अब नहीं होने देंगे मजदूर का सप्लाई। अब यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर का सप्लाई होगा देश विदेश में, क्योंकि हम लोग जब 30,675 मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी जब जाएंगे तो क्वालिटीपूर्ण शिक्षा देंगे, न कि घटिया शिक्षा देंगे। इसलिए हम लोग आज हवन कार्यक्रम किए। देखिए कई लोगों का शादी भी नहीं हुआ है और उम्र भी हो रहा है, इसकी चिंता भी इन लोगों को सता रहा है, घंटी लेकर बैठे हुए हैं, शादी भी नहीं हो रहा है, बर्तुआर आ रहा है, क्या टूट गया, क्या दर्द है आपके दिल में? दर्द तो बहुत है, कितना बताया आपको दर्द है बताइए। लगातार 4 सालों से सड़क पे भटक रहे हैं इस इंतजार में कि हम लोग के नियुक्ति पत्र मिल जाए, मेरिट में आकर। देखिए इतना कड़ा इम्तिहान हुआ था, परीक्षा हुआ था 19 STT 19, उसको हम लोग पास करके मेरिट में आ गए थे, सरकार ने मेरिट लिस्ट में ला दिया। अब जब नियुक्ति देने की बारी आई तो ये भूल गए नियुक्ति पत्र देना, और लगातार 4 सालों से हम लोग भटक रहे हैं। कभी जाते हैं सचिवालय, कभी मुख्यमंत्री से मिलने, कभी उप मुख्यमंत्री से मिलने, कभी अदर अदर ऑफिस में मंत्री जी से मिलने, मतलब भटकते रहते हैं। सरकार इतनी निष्ठुर हो गई, हम लोग के दर्द को नहीं समझ पा रही है। अरे तेजस्वी जी तो युवा थे, वो तो हमारे कष्ट को समझ लेते, वो भी नहीं समझे, वो भी छल कर दिए। वो भी जब सत्ता से बाहर थे तो बोले थे हम लोग के सभा में आकर के कि आपको पहली कलम और पहली कैबिनेट में आपको नियुक्ति सुनिश्चित कर देंगे, लेकिन क्या हुआ, वो भूल गए। उनकी पहली कैबिनेट कहाँ चला गया, उनकी पहली कलम कहाँ चली गए, और हम लोग आज भी इंतजार में कहते हैं कि इंतजार का मजा लीजिए। कैसे मजा लेंगे साहब, इंतजार कैसा मजा लेंगे, यहाँ इंतजार पेट में अन्न नहीं है। आप मजा लेने की बात करते हैं, मजा आप लीजिए कि आपकी आपकी लव मैरिज शादी हो गई, जिसे प्यार की उसे शादी कर लिए, अब आपको जो है कि बाल बच्चे हो गए हैं,
बेटी हो गई, पुत्री अपनी प्राप्ति हो गई, हम मेरा क्या? आपका कोई रत्न नहीं होगा, आपको पुत्री होने नहीं करेगा, ब्याह होगा तब ना होगा भैया जी, ब्याह नहीं होगा। सरकार जो है ब्याह करवाने के फेरा में नहीं है, अगुए नहीं आता है, कहे नहीं आता है, क्योंकि नौकरिया नहीं है। तो कौन देगा? फगुनिया के बाप इतने कहती है, कहा ना देंगे तो हम अपन बेटी करे, कहा खिएबे, कहा खिएबे तू है, तो कैसे ब्याह होगा? तीन बेर बेचारा का शादी लग गया था, टूट गया। पूछ लीजिए सही बात है। देखिए, इन लोगों का दर्द अजीब है। अजीब इसलिए है क्योंकि माँ बाप जो होता है अपना खेत खलियान बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, घर में पैसा नहीं होता है तो कर्ज लेकर पढ़ाते हैं, और पढ़ने के बाद इन लोगों को सड़कों पे बैठना पड़ता है। पिछले तीन साल साढ़े तीन सालों से ये लोग आंदोलन ही कर रहे हैं, और आंदोलन भी करने में खर्चा होता है। पटना आते हैं, पटना आकर के यहाँ पे कई चीजों का दिक्कत होता है, क्योंकि ये धरना स्थल सिर्फ नाम का है, ना यहाँ टॉयलेट है, ना यहाँ पानी पीने का व्यवस्था है, ना यहाँ कोई एम्बुलेंस का व्यवस्था किया गया है, जो कि एक धरना स्थल पर होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है। लेकिन वो सबके बावजूद भी ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को मांग रहे हैं। आपका भी टूट गया रिश्ता? अभी तो हमारे साथ इस प्रकार की समस्या नहीं आई है, लेकिन ऐसा रहा तो हमारे ऐसे बहुत सारे। शादी हो गई आपकी? शादी अभी नहीं हुई है, अभी इंतजार में है। उम्र कितना होगा पूछ लीजिए? वो हम वर्ष के हो गए, वो हमारा निजी मामला है, लेकिन हम सरकार की पॉलिसी पर बात करना चाहते हैं कि जो सरकार की जो पॉलिसी है, इसके कारण से हमारे बहुत से ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र जो है समाप्त होने के कगार पर है, और बहुत से भौतिक जो समस्याएं हैं सामाजिक जीवन में, वो ताना सुन रहे हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन इस हठधर्मी सरकार को कान पर जू नहीं रखता है। कोई किसी भी आंदोलन को कोई कितना लड़े, एक उम्र होता है, एक धैर्य होता है। अब हमारा जो धैर्य है, पेशेंस है, वो जवाब दे रहा है, लेकिन इन बेशर्मों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है। और सदन में और जब रैली में जाते हैं तो कहते हैं, अरे हम कर ही तो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूर्णिया में रैली था तो बोले कि अरे हम बहुत शिक्षक की बहाली कर दिए, 3.5 लाख 4 लाख शिक्षक की बहाली कर दिए, एहसान कर दिए। फिर भी राइट टू एजुकेशन के डाटा के अनुसार छात्र और शिक्षक का जो रेशियो है वो तमाम राज्यों से सबसे कम क्यों है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बहुत बहुत करके कितना कर दिए? आपके पास डाटा है कोई? आपके पास डाटा है, लेकिन आप उस डाटा को सार्वजनिक नहीं करते हैं। चलिए, सरकार के पास डाटा है लेकिन दिखाएगी नहीं। सरकार के पास आश्वासन वाला घंटी है, आश्वासन वाला घंटी बजाते रहिए। ये आश्वासन वाला घंटी आज ये खुद लेकर के आ गए हैं, इधर आ जाइए थोड़ा। आश्वासन वाला घंटी आप लेकर के आ गए, तीन सालों से आश्वासन ही मिल रहा है, घंटी खुद बजा रहे हैं आप लोग। आश्वासन से काम चलेगा बताइए? आश्वासन में तीन सालों से चार सालों से आश्वासन के आधार पर सब बाल उड़ गया मेरे कई साथियों का। सब हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, पूरा बिहार बर्बाद हो रहा है, बिहार मजदूर की फैक्ट्री बन चुका है, 7000 विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है, और हम लोग सब मेरिट लिस्ट में आकर के और सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। बिहार बर्बाद हो रहा है, इसीलिए आज हम लोग आज हवन कार्यक्रम रखे थे कि ऐसा कैबिनेट, ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा उप मुख्यमंत्री, ऐसा शिक्षा मंत्री हमें नहीं चाहिए जो बिहार को बर्बाद और नेस्तनाबूत कर रहा हो। तो देखिए, ये शिक्षक अभ्यर्थी है, स्टेट शिक्षक अभ्यर्थी है, मेरिटधारी है, और काफी नाराज है सरकार से, चूंकि पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं, और नाराज होना भी चाहिए, चूंकि एक मेरिट फैमिली से जो बिलोंग करता है उस पर एक प्रेशर भी होता है कि मेरा बेटा कब कमाएगा, कब दो पैसा लाकर मेरे हाथों में देगा। तो कई तरह का इनके ऊपर जिम्मेदारी भी होती है, जो जिम्मेदारी ये नहीं निर्वहन कर पा रहे हैं, और अपने किस्मत को लेकर, अपने करियर को लेकर चिंतित हैं, और धरना स्थल गर्दनी बाग पे बैठे हुए हैं। तो इसी तरीके की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइव फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर भी फॉलो करें। धन्यवाद।